ये जो गाड़ी है दो रोल प्ले करता है। पहले जो है अपने एसयूवी सेगमेंट का रोल प्ले करता है, भले है ये एमपीवी, और ये एमपीवी का भी रोल प्ले करता है। वो कैसे, आज के वीडियो में टोटल जानने वाले हैं। ये गाड़ी आप देख रहे हैं किया कैरेंस 2024 टॉप मॉडल TGDI टर्बो पेट्रोल में जो आता है उसका टॉप मॉडल आप देख रहे हैं। हालांकि ये गाड़ी आप जान रहे हैं पेट्रोल में भी आता है, टर्बो पेट्रोल में भी आता है और डीजल में भी आता है। आपका क्या प्रायोरिटी है आप उस हिसाब से गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं किस में आप जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, टर्बो पेट्रोल में आपको सिर्फ और सिर्फ IMT मिलेगा, मैनुअल का ऑप्शन नहीं आएगा। भले आपको डीजल में जाना तो वहां पे आपको मैनुअल मिल जाएगा, लेकिन पेट्रोल में जाएंगे तो आपको टर्बो पेट्रोल में IMT मिलेगा, मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक की बात करें 7-speed DCT के साथ आएगा और उसमें आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। हालांकि सब कुछ इसमें आपको जब मैनुअल गाड़ी आप चलाएंगे तो 6-speed ही मिलेगा, टर्बो पेट्रोल में डीजल में पूरा 6-speed मिलेगा, कहीं भी आपको 5-speed का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। बात करें गाड़ी की, इसमें आपको आता है 1.5 liter का इंजन। कोई भी ले लें आप, चाहे डीजल पेट्रोल या टर्बो पेट्रोल कोई भी इंजन ले लें तो उसमें आपको सेम इंजन मिलेगा, लेकिन टर्बो पेट्रोल का जो फंक्शनिंग है थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको टॉर्क जो है नॉर्मल पेट्रोल से ज़्यादा आपको मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल इंजन। स्मार्ट स्ट्रीम जी टर्बो पेट्रोल ये आप देख रहे हैं 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि निकालता है 158 bhp और निकालेगा 253 Nm तक का टॉर्क। ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं। जो आप सेल्टोस वगैरह के टर्बो पेट्रोल में देखते हैं वही वाला इंजन यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्टेबिलिटी के साथ गाड़ी आपको मिलती है किया कैरेंस। डॉट इंसुलेशन मिलेगा और एज सच मेरे को अभी इतना गर्म लग नहीं रहा है, गर्मी के मौसम में पहले ज़्यादा गर्म हो सकता होगा, लेकिन इंसुलेशन की नीड एज सच नहीं है। इंजन थोड़ा सा साइलेंट है, थोड़ा सा आपको बेसी ज़्यादा मिलेगा इस इंजन में अगर देखा जाए तो एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल। ठीक है, ये हमने देखा ओवरऑल गाड़ी का इंजन स्पेक। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये गाड़ी जो है मेजर दो गाड़ी का रोल प्ले करता है, SUV वाला भी MPV वाला भी। बात करें कैटेगरी में कौन कौन सा सेगमेंट आता है, अर्टिगा आता है, इनोवा आता है। देखो भाई, इनोवा जो है 20 लाख से चालू होता है और उसका ठीक ठाक अपर वाले बेस से जाओगे तो 24-25 लाख तक आ जाता है। टॉप मॉडल में जाओगे तो ऑलमोस्ट जो है 30 लाख तक जाएगा। अर्टिगा की बात करें वो 9 लाख या 10 लाख के अंदर में चालू होता है और टिल जाता है 15.5 lakh तक। ऑन रोड की अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम, उससे ज़्यादा वो नहीं जाएगा। लेकिन किया कैरेंस जो है 10,52,000 से चालू होता है, एक्सोरूम जाता है, और ये जो आप मॉडल देख रहे हैं 17.82 lakh, और टॉप मॉडल जाएगा आपका 19-something कुछ जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमने देखा गाड़ी का इंजन स्पेक्स, थोड़ा सा इस गाड़ी को समझते कि आपको मिल क्या कर रहा है 17.82 lakh में। DRL आप जैसे कि देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आपको ट्राई बीम, यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स LED वाले मिलेंगे, फॉग लैम्प यहाँ पे आपको LED वाला दिया जाता है, पार्किंग सेंसर 1, 2, 3, 4 मिलेगा फ्रंट में भी, बट 360 degree कैमरा इसमें आपको ऑफर नहीं किया जाता। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया SUV वाला भी और MPV वाला भी रोल प्ले करेगा, लेकिन सारे टैक्स से यहाँ पे आपको लेस ये गाड़ी मिलने वाली है जो कि इस सेगमेंट में अब तक नहीं देखा जाता था। बात करें अर्टिगा में भी और इनोवा में भी, कहीं ना कहीं वो टैग जो है चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें, मेजोरिटी तो नहीं बोलूँगा लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे कम रह जाती थी। अर्टिगा में नहीं जाना, इनोवा में आपका बजट नहीं है, उसके बीच का चाहिए तो स्पेसियस गाड़ी ये आपको मिलता है। इवन इनोवा से भी सबसे ज़्यादा व्हील बेस इसमें आपको मिलेगा, 2780 mm का व्हील बेस मिलने वाला है, 4540 का यहाँ पे आपको लेंथ मिलने वाला है ओवरऑल बात करें तो, और 45 लीटर का यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिलेगा, चाहे आप कोई भी वेरियंट ले लें। इसका बूट खोले देख सकते हैं, LED टेल लैम्प आपको बढ़िया से मिलेगा, कैरेंस की बैजिंग, किया का लोगो और TGDI यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आप टर्बो पेट्रोल गाड़ी को चला रहे हैं। किया कनेक्ट सारे फीचर्स ये आपको प्रोवाइड करता है, गाड़ी से रिलेटेड जो भी आपको फीचर एक्सेस करना है या कुछ फंक्शनिंग करना है, आपका रिमोट जो की बोल सकते हैं वो आपका बन जाता है मोबाइल फ़ोन, ऐप के थ्रू सारा चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल्स की वजह से ये गाड़ी जो है SUV वाला भी फील दे देता है आपको। थोड़ा सा बोलूँ सेल्टॉस वाला भी टेस्ट इस गाड़ी में आ जाता है जब आप इसके इंटीरियर में बैठोगे, वहाँ पर आपको लेके चलता हूँ थोड़ी देर में। इसको बूट खोलें तो यहाँ पर आपको मिलता है तीनों रो ओपन होने के बाद 216 लीटर के यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिल जाता है, वूफर इसमें आपको जरूर से मिल जाता है, टॉप मॉडल है क्योंकि बूट लैंप। फिलहाल करते हैं इसको फोल्ड और देखते हैं कि स्पेस कितना बन जाता है। ये आप देख रहे हैं 7-seater वाला वेरिएंट, यहाँ पे आपको टाइप सी सॉकेट मिलेगा, कप होल्डर मिल जाएगा, रियर के लिए AC वेंट्स ऊपर मिलेगा और तीनों केबिन में केबिन लैंप आपको दिया जाता है। फ्रंट में मिलता है, मिड में मिलता है, सेकेंड रो में और थर्ड रो में भी आपको मिलता है, देख सकते हैं।
और सब कुछ LED है, AC वेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। थर्ड रो के लिए ऐसा कुछ नॉब वगैरह ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है, बाकी कंट्रोलिंग जो है सामने से होगा। यहाँ से वो जो नॉब है सेकंड रो और थर्ड रो के लिए वो आपको मिलता है, और यहाँ पे भी दोनों साइड जो टाइप सी सॉकेट आपको मिलने वाला है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ, नंबर प्लेट के लिए हैलोजन लैंप मिल जाता है, रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर 1, 2, 3, 4, ब्लैक कलर की गाड़ी में देख सकते हैं क्रोम फिनिशिंग जो बढ़िया से निकल के आ रही है। थोड़ा वॉशिंग वगैरह नहीं हुआ है, धूल में जमा हुआ है तो इस वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है, बट अच्छा दिख रहा है देखने के लिए। मैं बोल रहा था सेकेंड रो की, और सेकेंड रो में आपको क्या बढ़िया चीज़ मिल रहा है देखिए, पूरा सा यहाँ पे आपको ना जो बैठने का कंफर्ट है, और ये कैप्टन सीट का ना मज़ा अलग ही आपको मिल जाता है। बोस के स्पीकर का बैजिंग मिलेगा, देखिए मैं इसको लगा दिया, पूरा केबिन स्पेस में मेरे को घर जैसा फील आ रहा है। ये बंद होने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने रूम वगैरह में बैठा हूँ, चेयर वगैरह में, और मस्त मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ। दो टाइप सी सॉकेट मिलेगा, सनरूफ जो इस गाड़ी में सामने बस मिलेगा, पीछे नहीं मिलेगा, AC वेंट, केबिन लैंप यहाँ पे आपको दिया जाता है। आर्मरेस्ट की बात करें, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ मिल जाता है बढ़िया तरीके से, और रियर दोनों सीट जो है वेंटिलेटेड नहीं मिलेगा, फ्रंट के दोनों सीट आपको वेंटिलेटेड दिया जाता है। यहाँ पे आपको बड़े से ट्रे वगैरह भी मिल जाता है, और एक्स लाइन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन भी मिलेगा जो आप ऑपरेट भी कर सकते हैं। बॉस मोड की बात करें, यहाँ पे आपको बॉस मोड भी दिया जाता है जिसके थ्रू आप इसको फ्रंट सीट को आगे पीछे करके अपने लेग स्पेस जो है बना सकते हैं। ये हमने देखा किया कैरेंस टॉप मॉडल लग्जरी प्लस 1.5 TGDI वाला हमने वेरिएंट देखा, 7-सीटर वाला। एयर प्यूरीफायर भी इस गाड़ी में आपको मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन दिया गया, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं स्मार्ट प्यूरीफायर। रिक्वेस्ट सेंसर, ऑटोमेटिक फोल्डेबल एडजस्टेबल ORVM मिल जाता है आपको, और गाड़ी को खोलते अपन इस साइड। अब देखो यहाँ से आप बता नहीं सकते, जब तक यहाँ पे आप ना देखो थोड़ा सा डैशबोर्ड का डिज़ाइन, पूरा आपको सेल्टॉस वाला मज़ा मिलने वाला है। हाइट एडजस्टेबल सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, और यहाँ पे आपको पूरा जो है बोस के सेटअप मिल जाएगा। 8+ स्पीकर यहाँ पे आपको पूरा वूफर के साथ मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVM, लॉक अनलॉक चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड अप डाउन के साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है, शायद चारों है, हाँ चारों पावर विंडो यहाँ पे आपको पूरा ऑटो डाउन ऑटो अप के साथ मिलने वाला है। पूरा डोर ओपनर देख सकते हैं यहाँ पे, पूरा सिल्वर फिनिशिंग मिल जाता है। गाड़ी में आपको एम्बिएंट लाइट की बात करें, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में पूरा फ्रंट से पूरा कनेक्टेड वाला एम्बिएंट लाइट आपको मिलने वाला है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डायरेक्शन ऑन ऑफ बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप के साथ ये आपको हेडलैम्प्स लेवलिंग कंट्रोल मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था 2-3 कलर में मिलता है, देख सकते हैं पूरा ब्लूइश कलर में आपको दिया गया है। और यहाँ पे आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं आता है इसमें। ठीक, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ऑटोमेटिक वाइपर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पूरा डिजिटल क्लस्टर ये यहाँ पे आपको मिलेगा, 10.5 इंच का यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। असली चीज़ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी क्लच का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये जो कि आप IMT चला रहे हैं तो क्लच वाला सिस्टम नहीं है इसमें। 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ये आप ब्रेक दबाएंगे और ये आप मैनुअली गियर लगाएंगे तो गियर जो लग जाएगा। रिवर्स कैमरे की बात करें, देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा क्वालिटी एकदम ठीक है, डिसेंट है, एकदम ना ज़्यादा ख़राब ना एकदम ज़्यादा बेकार यहाँ पे आपको मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स दोनों के सामने हुए, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ के लिए बटन, और यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा चलते वक्त चलाना तो यहाँ से आप ऐसा कुछ देख सकते हैं चला के। हिल डिसेंट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर जो है कूलिंग पैड के साथ नहीं आता, USB सॉकेट, टाइप सी सॉकेट, और स्पेस वगैरह का ना कोई ऐसा दिक्कत नहीं लगा, थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। कूलिंग यहाँ पे आपको क्या कप होल्डर दिया जाता है, जैसे कि आपको अर्टिगा में मिलता है इसमें भी आपको मिलता है कूलिंग वाला कप होल्डर। इसका आर्मरेस्ट के नीचे यहाँ पे आपको स्पेस ही स्पेस मिलेगा, इसको हटा के भी आप यूज़ कर सकते हैं। हैंड ब्रेक आपको ऐसा मिल जाता है। यहाँ पे सनरूफ भी कोई भी दिक्कत नहीं है इस सेगमेंट में, MPV सेगमेंट में, चाहे इनोवा में, अर्टिगा में, किसी में भी आपको सनरूफ वाला फीचर्स नहीं मिलता है। सनग्लास होल्डर, LED केबिन लैंप फोकस्ड वाले, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 एयरबैग, ABS/ABD जो मैंने आपको बताया, सारे चीज़ मिलते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स, टच रिस्पॉन्स के साथ, टिकटॉक हजार्ड लैंप। इसकी AC के वेंट्स ना समझ ही नहीं आएंगे आपको, पूरा सा फ्लो होता हुआ नज़र आएगा। ये आपका कुछ कॉइन वगैरह रखने के लिए। इस साइड की अगर बात करिए, पूरा आपको ग्लास होल्डर दिया जाता है। इनोवा में जाएंगे तो आपको दोनों साइड मिलेगा, लेकिन इसमें आपको एक ही साइड दिया जाता है। ग्लव बॉक्स डिसेंट है, कोई भी कूल ग्लव बॉक्स यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ओवरऑल हमने ये देखा। अब आते हैं मेन क्लस्टर की ओर। ठीक, क्लस्टर की ओर जैसे आए तो यहाँ पे आपको TPMS वगैरह, सिंस रिफिलिंग वगैरह, जो भी आपको ऑप्शन जाना है, नेविगेशन वगैरह, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। एवरेज की अगर मेन बात करें, एवरेज का अगर आपको मेजर कंसर्न नहीं है तो आप इस गाड़ी को
कंसिडर कर सकते हो। अगर टर्बो पेट्रोल में जाएंगे तो एवरेज में आपको मिलेगा ये 15 आराम से दे देगा, थोड़ा सा भगाएंगे तो और भी कम दे सकते हैं। ये हमने देखा ओवरऑल किया कैरेंस का टॉप मॉडल टर्बो पेट्रोल में 2024 के साथ कैसा लगा ये गाड़ी। किया कैरेंस का बैजिंग मिलेगा सर्टन फिनिशिंग में। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।